वेल डीमन किंग एंड द फिंड यार, इन दोनों के लिए अच्छी खासी रावलरी चाहिए चाहिए। वेल तो है गाइस, वेलकम टू द माय चैनल, माय नेम इज पंकज। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस ऐसे सेगमेंट के बारे में जो कि हमें शायद देखने को मिल जाए, जो कि इसके बारे में बात करने वाले हैं जो कि मंडे नाइट रॉ में हमें देखने को मिल सकता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेल तो जैसा कि हम बात करें द फिंड ब्रे वाइट वर्सेज डीमन किंग फिन बैलर के बीच में, तो सबसे इंटरेस्टिंग थिंग हमें यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जहाँ पे द फिंड ब्रे वाइट के लिए कोई राइवलरी हमें देखने को नहीं मिल रही है एंड पर्सनली एक्सब्लिस उनके ऊपर मतलब कोई ना कोई नई टीम तो निकाल जा रही हैं एंड उन्होंने लिली को इंट्रोड्यूस किया एंड मे भी हो सकता है फिंड को जवाब देने के लिए कोई और बंदे को इंट्रोड्यूस करे और वो हो सकता है डीमन किंग फिन बैलर, जो कि मैंने बार बार ये चीज़ें बोल चुकी हैं। वेल इसके बाद तो हमें देखने को ये चीज़ें मिल सकती है कि मे भी हो सकता है कि हमें यहाँ पर डीमन किंग फिन बैलर का रिटर्न ना होते हुए दिखाई दे जाए, यहाँ पर हो सकता है हमें सिंपली फिन बैलर का रिटर्न होते हुए दिखाई दे जाए एंड यहाँ पर फिन बैलर आके मतलब रिंग के अंदर आए एंड लास्ट टाइम जैसा कि हम जानते हैं कि डीमन किंग फिन बैलर को जो डीमन किंग फिन बैलर तो नहीं लेकिन फिन बैलर को आने वाला समर स्लैम में द फिंड ब्रे वाइट ही थे, तो मे भी हो सकता है यहाँ पे डीमन किंग मतलब द फिन बैलर जो हैं वो अपने डीमन अवतार में आने के लिए कहें और उसके बाद तो वो मैच मांगे डीमन किंग वर्सेस द फिंड ब्रे वाइट के बीच में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हमें देखने को मिल सकता है। तो वो द फिंड से अब मैच की मांग कर सकते हैं दोबारा से एंड तो यहाँ पे फिर हमें वो इंटरेस्टिंग थिंग देखने को मिल सकती है अगर ऐसा हुआ तो। वेल रसलमेनिया बैकलैश नाम का पेपर व्यू था, रसलमेनिया जैसा कोई मैच भी होगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा एंड यहाँ पे डीमन किंग एक बहुत ही अच्छे खासे बंदे बन सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें जो द फिन बैलर हैं, फिन बैलर का हमें अभी कोई स्टोरी लाइन देखने को नहीं मिल रहा है, ना हमें एनएक्सटी में कहीं पे वो दिखाई दिए इस बार। और यहाँ पे जो हमें देखने को चीज़ें मिल रही है कि यहाँ पे द फिन के पास भी कोई अच्छी खासी स्टोरी लाइन तो पड़ी नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर रैंडी ऑर्टन तो अलग स्टोरी लाइन में चल चुके हैं, तो यहाँ पर मे भी मुझे नहीं लगता कि रैंडी ऑर्टन वापस आने वाले, तो यहाँ पर द फिन अभी फिलहाल किसी स्टोरी लाइन में नहीं है एंड उनकी जो स्टोरी लाइन चल रही है वो अलेक्सा ब्लिस के साथ में चल रही है एंड अलेक्सा ब्लिस का सबसे ज़्यादा चांस है कि वो किसी को इंट्रोड्यूस कर सकती हैं या फिर मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखना ये इंटरेस्टिंग रहा कि क्या हमें फिन बैलर देखने को मिलते हैं मेन रोस्टर में एंड मेन रोस्टर में उनका रिटर्न होता है, तो मे भी हो सकता है वो द फिन ब्रे वाइट के लिए जाएं एंड ये रावलरी हमें देखने के लिए बहुत ही बेस्ट देखने को मिल सकती है एंड यहाँ पर हो सकता है कि हमें इनके बीच में पहले सिंपल मैच देखने को मिले। वेल मतलब जो द फिन बैलर है, फिन बैलर वर्सेज ब्रे वाइट का मैच देखने को मिले। वेल इसके बाद हमें डीमन किंग वर्सेज द फिन ब्रे वाइट का मैच देखने को मिले जो कि समर स्लैम तक, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग हो सकता है। तो वेल इस चीज़ के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एंड आपको ये मैच कैसा लगेगा अगर देखना चाहोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हो एंड सो फिन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।